उसी के नाम है माया, उसी का नाम है जीव, उसी का नाम मन, उसी का नाम कलना, उसी का नाम सुरता। मुंडों ने अपने में कल्प लिए, सुख दुख होते वृत्ति में, मान अपमान होते वृत्ति में। अब मैं योग करूंगा, एकांत में जाऊंगा, ये भी वृत्ति है। और मैं भोग भोगूंगा, भीड़ में जाऊंगा, तो मैं को जाना नहीं। तुम्हारा वास्तविक मैं न भोग भोग सकता है, न योग करता है। योग भोग ये दोनों वृत्ति में है। योग भोग जाको नहीं सो विद्वान अरोग। जिसको योग और भोग दोनों नहीं, वृत्तियों से परे पहुंच गया, अपने स्वरूप को जान लिया, वो अरोग है। तो दुख सुख वृत्तियों में है, दुख सुख वृत्तियों में है, लेकिन हम लोग समझते कि संसार हम में है, तो हम हमको नहीं जानते। इसीलिए वृत्ति को सूक्ष्म करके वृत्ति को ही वृत्ति से बाधित करना है, वृत्ति से निवृत्त होना है। दूसरे लाख उपाय करो, आत्मलाभ नहीं होता। आत्मलाभ तो होता है आत्मदेव को जानने से, और जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो सुखी दुखीपन अपने में आरोपता है, जिसको सुख दुख होता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान ले तो सुख दुख समझता है कि वृत्ति में होता है। सुख आया और गया, दुख आया और गया। तो जो आके जाए, जाके आए आके जाए, तो जाने आने वाला हुआ। जाने आने वाले को जो देखता है वो तो अटल रहा, वो अटल अपना स्वरूप है। जैसे आकाश में हाथी घोड़ा रथ बादलों का भासता है, आकाश में ये आ आके चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय आकाश में ये भाव और क्रिया प्रतिक्रियाओं की संवेदना आ आके चली जाती है। जैसे सुमेरु पर्वत के आगे राई का दाना छोटा है, ऐसे ही हमारे चिदाकाश व्यापक स्वरूप के आगे ये भूताकाश भी छोटा है। ये जो बाहर का आकाश दिखता है वो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा हमारा निज स्वरूप के आगे वो भी छोटा है। तो ऐसे ही भूताकाश चिताकाश जिससे प्रतीत होता है वो है चिदाकाश हम। ये भूताकाश प्रतीत होता है ना हमको, चित्त में विचार उठा वो प्रतीत होता है ना। प्रतीत माना प्रतीति भासमान दिखना, जिससे दिखता है, दिखने वाली चीज देखने वाले से छोटी होती। तो ये भूताकाश दिखता है, चित्ताकाश से छोटा है, चिदाकाश से छोटा है। बोले भूताकाश में तो हम लोग हैं और हमारे अंदर तो चिदाकाश है, तो चिदाकाश छोटा हुआ कि चिदाकाश अपने देह को मैं मान के बोलते हैं कि हमारे अंदर है, लेकिन यही चिदाकाश इस भूताकाश को भी आवृत करके बैठा है, ढांप के बैठा है। जैसे ये आकाश सत्संग हॉल को ढांक के बैठा है कि नहीं, भूताकाश सत्संग हॉल के आकाश को ढांप के बैठा है, ऐसे ही चिदाकाश इस भूताकाश को ढांप के बैठा है। वो है परब्रह्म परमात्मा। ये बहुत सूक्ष्म बात है, गुप्त बात है। ये सत शिष्य को
और पुत्र को विद्या दिया जाता है। ये ब्रह्म विद्या सत्पात्र शिष्य अथवा पुत्र के हृदय में ठहरती है, और पुत्र भी गुरु की नाई जब सुने तब, पप्पा की नाई सुने तो नहीं। जैसे घटाकाश को मठाकाश व्याप के बैठता है, ये आकाश है ना अपना हॉल का, इसको मठाकाश कहा, इसमें घड़ा रखा तो घड़ा कई घड़े इसको, कई घड़ों को मठ ने जगा दिया, ठौर दिया। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ने इस भूताकाश को ठौर दिया है। तो वो भूताकाश के भूताकाश भी चिदाकाश के अंदर है, ऐसा वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है उसीलिए वो सब में है। लेकिन सबका नाश होने से उसका नाश नहीं होता, जैसे सब घड़ों का नाश होने से आकाश का नाश नहीं होता, आकाश सब घड़ों में है, ऐसे ही सब शरीरों का नाश होने से भी चिदाकाश का नाश नहीं होता। तो जहां बैक्टीरिया या भूत जात जीव जंतु जाते हैं, वहां उन्हें सूर्य का प्रकाश या हवा मिलती है, क्योंकि हवा सब जगह है। जहां जीव जाते हैं आकाश उनको व्याप्त है, ऐसे ही जहां भी कुछ हिलचाल होती चिदाकाश उसको व्याप्त है। बस कितना भी तेजी से भागे तो आकाश को लेकर नहीं भागती, आकाश अपनी महिमा में है, वो बस से भी गुजर जाता है, इतना सूक्ष्म है। घड़ा लेकर भागो तो घड़े के अंदर जो आकाश है वो उतनी जगह का आकाश लेके तुम भागे, ऐसी बात नहीं, वो घड़े से आर पार हो गया। ऐसे ही सच्चिदानंद स्वरूप, कोई मरो चाहे जन्मो, तो सच्चिदानंद स्वरूप को जीते हैं तो भगवान मौजूद है, और मर गए तो मर गया क्या? वो नहीं, वो ज्यों का त्यों है सर्वत्र। जैसे बिलोरी कांच लेकर कहीं भी जाओ सूर्य के प्रकाश में, एक जगह पर बिलोरी कांच ठहरा कर अग्नि प्रकट किया, अब वो जगह को छोड़ के कहीं भागे तो क्या दूसरी जगह नहीं मिल सकता है क्या? हो सकता है, सूर्य व्यापक है बिलोरी कांच की अपेक्षा। ऐसे ही सूर्यों का सूर्य जो है चिदाकाश, वो व्यापक है। तो संस्कार पड़े मैं मेरे के अंतःकरण में, मन बुद्धि में, और जहां भी अंतःकरण जाता है वहां चिदाकाश का सत्ता लेकर अपने संस्कारों के अनुसार चेष्टा करता है। जहां बिलोरी कांच जाता है वहां सूर्य का अपने संस्कारों के अनुसार प्रकाश ग्रहण करता है, आईने का प्रकाश ग्रहण करता है। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो अपना वास्तविक स्वरूप है, अंतःकरण जहां जाता है जैसा सोचता है उस वक्त उसको वहां वैसा ही प्रतीत होता है, और उसकी वृत्ति जब नींद में चली जाती है तो कुछ नहीं। लेकिन वृत्ति नींद में चली गई कुछ नहीं की अवस्था को भी जानता है। रात को गहरी नींद आ गई, कुछ नहीं देखा, नींद आ गई कुछ नहीं देखा, उसको भी तो देख रहा है। बड़ा शांति से सो गए, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा को भी जो देख रहा है वो चिदाकाश है। भूताकाश को जो देख रहा है वो चिदाकाश है। चित्त के विचारों को जो देख रहा है, चिताकाश को जो देख रहा है वो चिदाकाश है। उसको मैं रूप में मन नित्य ध्यासन करे, भ्रांति दूर हो गई, हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र शिव, सब कुछ हो गया।
जिसने अपने चिदाकाश स्वरूप को मैं रूप में जान लिया। तुम चिदाकाश नहीं होते तो यहां बैठे बैठे सूर्य को नहीं देख सकते। तुम जहां नहीं हो वहां का तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता है। तुम्हारी इंद्रियां सीमित है, सूर्य तक पहुंच सकती है, लेकिन उससे भी पार चिदाकाश तुम्हारा स्वरूप है। इंद्रियों से जो दिखेगा वो सीमित हो दिखेगा, लेकिन इंद्रियां भी वही देख सकेगी जहां तुम हो। तुम नहीं हो वहां इंद्रियां नहीं देख सकती। तो सूर्य के ऊपर भी तुम हो, उसीलिए सूर्य दिखता है। चंद्रमा और उसके ऊपर भी तुम हो, उसीलिए वो दिखता है। लेकिन तुम जब देह को मैं मानते हो ना, तो यहां थाप खा लेते हो। सूर्य लोक और उसके ऊपर भी, यहां उसके ऊपर भी तुम हो। इस आकाश को व्याप्त करके बैठा है, जैसे घड़े को, घड़े के आकाश को मठ का आकाश व्याप्त करके बैठा है, ऐसे ही चित्ताकाश भूताकाश को व्याप्त करके बैठा है। वो चिदाकाश, चिदाकाश मना वो ब्रह्म स्वरूप। इसलिए ब्रह्म सर्वत्र है। सर्वत्र है क्यों कहना पड़ता है? ये सर्व दिखता है, अनेक दिखता है, हकीकत में सब उसी में है। जैसे पापी पुण्य आत्मा, दुर्जन सज्जन, अपना पराया, आंधी तूफान बरसात गर्मी सर्दी सब आकाश के अंदर ही है। ये सब होते हुए भी आकाश का कुछ बढ़ा नहीं सकते और बिगाड़ नहीं सकते। कितना भी आंधी चले, कितने भी झगड़े हों, कितनी भी आग लगे, कितना भी बाहर का पानी बढ़ जाए, ये आकाश के अंदर ही तो है। कितनी भी बरसात हो जाए तो आकाश के अंदर है क्या? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार को जाने अधिकारी, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि अहंकार चित्त हम नहीं है, हम है चिदाकाश। और चिदाकाश की सत्ता से ये प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते बदलते हैं। तो मूर्खता से हम लोग प्रतीत होने वाले और बदलने वाले साधनों को मैं मान बैठते हैं। ये साधन है, ये प्रतीत होने वाले और बदलने वाले साधन है, और हम अबदल हैं। प्रतीत होने वाला माना क्या? माना दिखने वाले, ठीक है ना? तो जो दिखने वाला है वो है माया, जिससे दिखता है वो है मालिक। जो दिखे सो माया। माया को स्त्री साड़ी पहन के बैठी, उसका नाम माया नहीं है। उस चिदाकाश में जो फुरने से नाम रूप बन गया उसको माया बोलते। माया माने क्या? धोखा। माया माने धोखा। तो धोखा है, लेकिन धोखा को धोखा नहीं समझते हैं, इसीलिए धोखा खा जाते। माया को माया नहीं समझते, उसीलिए जन्म मरण के चक्कर में चले जाते। जन्म मरण हकीकत में हमारा होता ही नहीं, चाहे ज्ञान हो चाहे नहीं हो। अज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं है, लेकिन अज्ञानी नहीं जानता तभी भी वो है तो ब्रह्म है, तो चिदाकाश।
लेकिन नहीं जानता है तो अपने चिदाकाश में ठहरता नहीं और माया को मैं समझता है, इसीलिए दुखी होता है, यात्रा होती रहती है। ये ज्ञान अगर बैठ जाए दिमाग में, चित्त में ठहर जाए, तो यही है प्रसाद। इससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते प्रसन्नचित सोयास। तो ऐसी कोई क्षण नहीं है जो तुम परमात्मा से अलग हो जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं जो तुम परमात्मा से अलग हो जाओ। चलो परमात्मा से अलग, परमात्मा शब्द नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई मिनट नहीं जो तुम आकाश से अलग हो जाओ। आप आकाश से अलग होके हमको बताइए, है किसी की हिम्मत? एवी कोई जगह नहीं कि तुम्हें आकाश थी जुदा थे देखाड़ो, आकाश थी दूर जाई देखाड़ो। आकाश से तुम दूर नहीं जा सकते कोई, चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो, कितने भी बुरे बनो, कितने मोटे बन जाओ, कितने छोटे बन जाओ, लेकिन आकाश को छोड़ सकते हो? है तुम्हारी ताकत है? आकाश का त्याग कर सकते? और आकाश तुम्हारा त्याग करना चाहे तो कर सकता है? नहीं। जैसे आकाश तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, तुम आकाश का त्याग नहीं कर सकते, ऐसे ही चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, तुम परमात्मा का त्याग नहीं कर सकते। तुमने रुपयों का संग्रह किया अथवा रुपये त्याग दिए, तभी भी आकाश का तुमने संग्रह भी नहीं किया, त्याग भी नहीं। तुमने कर्म कांड किया, उपासना किया, तब भी आकाश उतने का उतना, नहीं किया तभी भी उतने का उतना। ऐसे ही वो चिदाकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा रूप में तुम उतने के उतने भाई के भाई। उसको न जानने से सारे अनर्थ हैं, और उसको जान लिया तो कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होता, कोई कर नहीं सकता, देखो कोई रख नहीं सकता, और तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। तुम अपने को छोड़ नहीं सकते और देह को रख नहीं सकते, शरीर को रख नहीं सकते और अपने को छोड़ नहीं सकते, घड़ा को कोई सदा नहीं रख सकता और आकाश को कोई नाश नहीं कर सकता है। तो तुम हो सागर, देह है बुलबुला, तुम हो आकाश, देह है घड़ा, तुम हो सोना, देह है आकृति गहना, तुम हो मिट्टी तो देह है खिलौना, तुम हो सूत तो देह है सूत में सूत से बना हुआ चश्मा अथवा सूत से बना हुआ खिलौना, तुम हो धागा, देह है मणियां, धागे की मणि धागे में पिरोए हुए। ऐसे उसी लिए गीता में कहा, सूत्रे मणि गणा इव, मैं जगत में व्याप्त हूं कैसे, कि जैसे सूत के धागे में सूत की मणियां, ऐसे ही मैं जगत में व्याप्त हूं। तो जैसे कृष्ण जगत में व्याप्त हैं, तो श्री कृष्ण की आकृति देखो तो जगत में कहां दिखेंगी, लेकिन श्री कृष्ण अपनी वो माया विशिष्ट आकृति को मैं नहीं मानते, श्री कृष्ण वास्तविक मैं को मैं जानते और हम लोग नहीं जानते। तो जो श्री कृष्ण का वास्तविक तत्व वही नाली के कीड़े का वास्तविक तत्व है, लेकिन वो अभागा नहीं जानता, इसलिए दुख भोग रहा है और उसी नाली में उसको अच्छा लगता है। और श्री कृष्ण हंसते हंसते द्वारका डूब रही तो हंसते हंसते डुबाने कोई बात नहीं,
क्योंकि अपना चिदाकाश स्वरूप में तो कोई घाटा नहीं। हजार घड़े फूट जाए आकाश को घाटा पड़ा? अच्छा, लाख घड़े बन जावे तो आकाश को कोई लाभ हुआ? ये जो आकृति है हमारी माया है, जो दिख जाए वो सब माया है, चाहे फिर किसी का भी देह हो, लेकिन जिससे देखा जाता है और दिखने वाला भी जिससे दिखता है वो है चिदाकाश परमात्मा। लेकिन माया भी परमात्मा को छोड़ के नहीं रह सकती। जैसे घड़ा आकाश को छोड़ के नहीं रह सकता है, ऐसे ही दिखने वाले शरीर भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म चिदाकाश को छोड़ के नहीं रह सकते। ब्रह्मज्ञान आदर पूर्वक समझ में आ जाए नहीं तो हजारों लाखों जन्मों की मजूरी बच जाती। मन की मान्यता है, मान्यताएं बदलती जाती है, और जैसी मान्यताएं बदलती जाती है, जैसा संकल्प होते जाते हैं, ऐसे घाट घटता जाता है मन, ऐसे ऐसे रूप बना देता है उसी चिराकाश में। जैसे बादलों में हाथी घोड़ा हम लोग कल्प लेते हैं कि रथ दिखता है बादलों में, हाथी घोड़े दिखते हैं बादलों में, मरुभूमि में पानी दिखता है, कल्प लेते हैं ना मरुभूमि में पानी, ऐसे ही चिदाकाश में मूर्खों ने जगत को कल्प लिया है, है नहीं जगत, कल्प लिया है और इतना पक्का हो गया है कि वो ही दिखता है, ब्रह्म नहीं दिखता है। जैसे बादलों में हाथी घोड़ा ये सब कल्प लिया जाता है, अब बच्चे को आकाश के बादलों में हाथी घोड़े और रथ दिखते हैं, रथ जब दिखेगा तब बादल नहीं दिखेगा, हकीकत में बादल दिखता है तभी रथ दिखता है, लेकिन जिसकी रथ बुद्धि पक्की हो गई उसको बादल नहीं दिखेगा, तो बादल में ही रथ दिखते हैं। एक कटोरी है, काय के है कि बाबा जी कटोरी है, क्या है कि कटोरी है, कटोरी दिखती है लेकिन पहले पित्तल दिखता है बाद में कटोरी दिखती है, ऐसे ही पहले ब्रह्म दिखता है बाद में जगत दिखता है उसमें, पहले सोना दिखता है बाद में उसमें गहना है, लेकिन दिखता है कि नहीं चूड़ी है, सच बताओ कि बंगड़ी है, सच बताओ कि अरे हीरे जड़ित बंगड़ी है यार, अरे बंगड़ी क्या है यार, सच बताओ ना यार, चूड़ी है नहीं, अरे चूड़ी बंगड़ी बोलते हो लेकिन पहले क्या है कि पहले आपका हाथ है, ओहो पहले सोना है फिर उसमें बंगड़ी दिखती है, ऐसे ही पहले ब्रह्म परमात्मा है फिर उसमें जगत दिखता है, तो बंगड़ी टूटेगी फूटेगी बदलेगी लेकिन सोना वही का वही, ऐसे ही ये जगत और शरीर बनते हैं टूटते फूटते हैं लेकिन अपना आत्मा अपना आपा वही का वही, अपने मूल स्वरूप को जाना तो वही का वही। तो जिसने सेवा किया है उनके लिए ये, जो सतपात्र हैं उनके लिए ये ज्ञान अमानत रखा जाता है, ये ज्ञान ऋषियों के हृदय में उड़ेला जाता है, साधकों के हृदय में उड़ेला जाता है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, ये परम पुरुष वही परमात्मा परब्रह्म परमात्मा, उसी चिदाकाश स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लोक लोकांतर पैदा हो के लीन होते जाते हैं। जैसे ये तुम्हारी अहमदाबाद दिखती है लेकिन इस अहमदाबाद में कितने मकान कितनी फैक्ट्रियां कितने लोग पैदा हुए होंगे और नष्ट हो गए होंगे, लेकिन यहाँ का आकाश में तो कुछ नहीं। अरे ऐसे ही ये आकाश भी ब्रह्म की एक छोटी मोटी फैक्ट्री है। ये जो भूताकाश दिखता है वो भी ब्रह्म में एक तंबू ताना हुआ है छोटा सा, जैसे तुम्हारे खेत में तंबू तान दो या पृथ्वी पे कोई बड़ा तंबू लगा दो सरगस वालों का, तो पृथ्वी की विशालता के आगे सरगस वाले का तंबू क्या बड़ी बात है। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परब्रह्म के आगे ये आकाश भी भूताकाश भी कुछ नहीं, तो सरगस का तंबू विशाल आकाश के आगे कुछ नहीं,
लेकिन तंबू में कितने ही बड़े लोग दिखते हैं, बड़े हाथी, सिंह, सर्गस दिखाने वाले, उनके ऑफिस, उनकी टिकट की खिड़कियां, हजारों लोग दिखते हैं। बहुत तुम्हारे घर की अपेक्षा तंबू बड़ा है, लेकिन आकाश के आगे तंबू क्या है? तो आकाश में तंबू है और तंबू में आकाश है, और तंबू में जो लोग बैठे हैं उनके हृदय में भी आकाश है। वह आकाश से बाहर तो तंबू नहीं है, और आकाश के बाहर तो तंबू में रहने वाले लोग भी नहीं है, तो सब आकाश रूप हुआ के? सब आकाश रूप हुआ, ऐसे ही सब पर ब्रह्म रूप है, उसमें स्थित होना है। स्थित तो है ही, उससे बाहर तो है नहीं, लेकिन नहीं जानते ना। बोले भगवान में स्थित हो जाओ, भगवान में अस्थिति तो है ही नहीं, लेकिन नहीं मानते हैं। देह इंद्रियों के साथ जुड़ गए, उसीलिए भगवान में स्थिति होते हुए भी वो स्थिति का लाभ नहीं है। परमात्मा में स्थिति होते हुए भी परमात्मा में स्थिति का लाभ नहीं है। जैसे पानी, बुदबुदे की पानी में स्थिति है, लेकिन तरंग हो रहा है और वो अपने को बुदबुदा जाना है तो परेशान है? पानी तरंगित हो रहा है और बुदबुदा को खतरा है। क्यों खतरा है? कि अपने को बुलबुला मानता है, और पानी मान लेवे तो पानी में स्थिति है कि नहीं उसकी? बुलबुले की, बुलबुले की पानी में स्थिति है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो। नहीं, ऐसे ही सबकी ब्रह्म में स्थिति है। जैसे बुलबुला पानी में ही है, पानी रूप ही है, ऐसे ही सब जीव भूत जात ब्रह्म में है, ब्रह्म रूप है। कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ माना घड़ो दिलो, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। कुंभ फूटा तो जल जल में समाया, लेकिन अभी भी तो जल जल में ही था ना। सरोवर में घड़ा डाल दिया, पानी का भरा हुआ पानी है, बाहर भी पानी अंदर भी पानी, फिर भी वो दिखता है घड़े का पानी और वो दिखता है सरोवर का पानी। तुमने खाली घड़ा डाल दिया, घड़ा भर गया, अब बाहर भीतर पानी पानी है। लेकिन घड़ा ने ये सरोवर का पानी और ये घड़े का पानी दिखा दिया है। घड़ा फूटा तो सरोवर का पानी सरोवर में मिल गया। अच्छा, सरोवर का पानी सरोवर में मिल गया और घड़ा नहीं फूटा तो नहीं मिला है? घड़ा फूटा नहीं तो क्या नहीं मिला? अभी भी मिला हुआ है। ऐसे ही देह पड़ने के बाद ज्ञानी ब्रह्म में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मरने के बाद ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो अभी कहाँ है? ज्ञानवान मरने के बाद ब्रह्म में लीन होते हैं तो अभी कहाँ है? अभी भी उसी में है। जैसे आकाश में ही तुम हो, ऐसे ही ज्ञानी ब्रह्म में ही। अज्ञानी भी है लेकिन नहीं जानते। अज्ञानी भी ब्रह्म में ही है क्या? अपने को देह मान बैठते हैं, मेरे को लड़का चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को तो अपने को तो जान ले भैया। फिर करोड़ों करोड़ों लड़के तेरे ही हैं और सारे रुपए तेरे हैं। धन किस लिए तू चाहता? तू आप माला माल है, सिक्के सभी जिसी से बने वो तू महाटंकशाल है।
चाह न कर चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तो उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा से चाह का फुरना हुआ और फिर इस चाह ने उसको फुरना भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, उसी को कहते हैं। वही फुरना देह में जीने की इच्छा किया तो जीव नाम पड़ गया, संकल्प विकल्प किया तो मन नाम पड़ गया। और न होने में होने का भावना के तो माया हो गया। माया बड़ी बलवान है, कहां से बल लाई? बोली तरंग बहुत बड़ी है, देखो अल्लाह दरिया में भी तरंग आवे, हो के नावड़ू उंधू पार है के, ओहो हो 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 नावड़ू उंधू पार है, नावड़ू उंधू पार है, मोटी तरंग आवे, मोटी तरंग बड़ी तरंग आ रही है, लेकिन बिना पानी के उसकी ताकत हो सकती है क्या? पानी के बिना तरंग की ताकत है क्या? ऐसे माया कितनी भी बड़ी हो लेकिन ब्रह्म के सिवाय उसकी ताकत का? बुलबुले को तरंग बड़ी दिखती है लेकिन बुलबुला अपने को पानी समझे तो तरंग की क्या हिम्मत? ये आज का ज्ञान अगर ठहर गया ना, हो गया साक्षात्कार। तरंग कितनी भी बड़ी हो ये तब तक बड़ी लगती है जब तक बुलबुला अपने को बुलबुला समझे। बुलबुला ने अपने को पानी समझा तो तरंग के बड़प्पन की कोई कीमत नहीं, ठीक है? ऐसे ही ये जीव जो फुरना है, ये जीव अपने को फुरना जहां से उठता है वो चिदाकाश अपने को माने तो माया वाया दासी हो जाती है। जैसे बुलबुला के आगे तरंग बड़ा है, बुलबुला छोटा है, लेकिन बुलबुला अपने को पानी जान ले तो तरंग उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही हमारे हृदय से जो स्फुरना उठता है वो देह को मैं मानता है तो हम हो गए बुलबुला, लेकिन हमारा हृदय से जो स्फुरना उठता है तो हृदय से हृदय में हृदय आकाश, हृदय में जो चिदाकाश स्वरूप महसूस होता है वो चिदाकाश अपने को मानो। जैसे बुलबुला अपने को पानी मान लेवे ऐसे ही हृदय में उठने वाला चिदाकाश से जो फुरना है वही फुरना अपने चिदाकाश स्वरूप में अहम प्रत्यय कर ले, बेड़ा पार हो गया। इसलिए महाराज सत्संग की बहुत जरूरत है। 15 दिन खाना नहीं खावे, पानी नहीं पीवे, 15 साल तक खाना नहीं खावे फिर भी कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग जरूरी है। फिर रोज खाना खावे, रोज पानी पीवे, रोज नाचे, खुशी से खा खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम, एक पल भी गफलत में रहना ठीक नहीं।